Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we will do GK subject, okay? So take out your tulips and open page number 220. We will do lesson 4, okay? People, famous personalities. Means today we will learn about some famous personalities, okay? So lesson 4, page number 220, people, famous personalities. Right? So, start from yellow box. There are many people throughout the world who are well known for their achievements. Means, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो फेमस हैं. किस लिए? अपनी अचीवमेंट्स के लिए, जो जो चीज़ें उन्होंने अचीव की है, राइट? लाइक क्रिकेटर्स हैं, सो उसमें सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस क्रिकेटर है, राइट? ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो अपनी अपनी फील्ड में फेमस है. सो उन पर्सनालिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. दे बिलोंग टू वेरियस फील्ड, और वो काफ़ी वेरियस फील्ड से जो है वो बिलोंग करते हैं, सच एज साइंस, आर्ट्स एंड सो ऑन. लेट्स लर्न अबाउट दे. आज हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स. सी, द फर्स्ट टेडी बेयर was made in honor of the American president Theodore Roosevelt, nicknamed Teddy, after he refused to shoot a bear cub on one of his hunting trips. So, जो हमारा first personality है वो है Theodore Roosevelt, American president, right? कौन है? Theodore Roosevelt, जिसको nickname दिया गया था Teddy, क्योंकि जो फर्स्ट टेडी बियर बनाया गया था वो थियोडोर रूजवेल्ट के ऑनर में बनाया गया था. क्यों? क्योंकि एक बार ये हंटिंग के लिए गए थे, जब हंटिंग ट्रिप में, तो इन्होंने एक बेयर कब, यानी बेयर के बच्चे को, कब को मारने से रिफ्यूज़ किया था कि मैं उसे नहीं मारूंगा, उसे शूट नहीं करूंगा हंटिंग ट्रिप में. इसीलिए इनको निकनेम दिया गया था टेडी, और फर्स्ट टेडी बियर इनके ऑनर में बनाया गया था. किसके ऑनर में? अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट. ओके, याद रखना है आपको. सो फैक्ट फाइल देखिए स्टूडेंट्स. आइंस्टाइन कुडंट स्पीक फ्लुएंटली व्हेन ही वाज 9. जो आइंस्टाइन थे वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते थे जब वो 9 ईयर्स के थे ना, तब वो रुक रुक के बोलते थे, तब वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते थे. ओके, नाउ सी दिस येलो बॉक्स. द फर्स्ट टेडी बेयर वॉज मेड इन ऑनर ऑफ मदर टेरेसा. क्या बोल रहे हैं वो? कि जो फर्स्ट टेडी बेयर था वो मदर टेरेसा के ऑनर में बनाया गया था. ये राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग है, क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि जो फर्स्ट टेडी बेयर था वो किसके ऑनर में बनाया गया था? अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के ऑनर में. सो यहाँ पर ये फॉल्स है, तो फॉल्स को टिक करेंगे. द फर्स्ट टेडी बेयर वॉज मेड इन ऑनर ऑफ मदर टेरेसा, फॉल्स. ओके, नाउ सी, लियोनार्डो द विंसी worked on painting Mona Lisa for 15 years but couldn't complete it. He died in the year 1519. So students, Leonardo da Vinci एक person जिन्होंने painting बनाई थी Mona Lisa की, but वो उस painting को complete नहीं कर पाए. ये देखो यहाँ पर दी हुई है आपकी book में Mona Lisa की painting, जिसे वो complete नहीं कर पाए, and 1519 year में उनकी डेथ हो गई थी. सो वो उस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए. उन्होंने ही मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी. किसने? लियोनार्डो द विंसी ने. किसकी पेंटिंग बनाई थी? मोनालिसा की, राइट? सो यहाँ पर येलो बॉक्स देखेंगे. द मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो द विंसी. यस, ट्रू. जो मोनालिसा थी उसको किसने पेंट किया था, किसने बनाया था उसकी पेंटिंग को? लियोनार्डो द विंसी ने. सो ट्रू को टिक करेंगे आप सब. नाउ फैक्ट फाइल. Bruce Lee could break wooden boards 6 inches thick. जो Bruce Lee wrestler थे वो 6 inches thick boards को जो है वो break कर सकते थे, वो भी 6 inches. Okay students? Now question number 1, next page. Let us test your knowledge about well-known personalities. कुछ well-known personalities से related questions करेंगे हम, okay? So first one is, who was the first person to land on the moon? कौन फर्स्ट पर्सन मून पे गया था लैंड से? यस, आप सबको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? सो ऑप्शंस दिए आपको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन. सो फर्स्ट पर्सन जो मून पर गया था वो कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? सो आप टिक करेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग.
Neil Armstrong was the first person to land on the moon. Okay, so Neil Armstrong को टिक करेंगे. Next, what is David Beckham famous as? So David Beckham किस चीज के लिए famous है? वो एक famous footballer है. Okay, so आपको footballer को टिक करना है. Singer, footballer, cricketer. David Beckham जो है is a famous footballer. So footballer को टिक करेंगे. Done. Now number C. Who among the following is not a famous cricketer? आपको three options दी हैं. इसमें से famous cricketer कौन नहीं है? सचिन तेंदुलकर? No, वो तो famous cricketer है. Then Steve Waugh, वो भी famous cricketer है. Then Diego Maradona. So Diego Maradona जो है वो cricketer नहीं है. So आप उसको tick करेंगे. Done. Then number D. Who is known as the saint of the gutters? So किसको saint of the gutters कहा जाता है? जैसे चाचा नेहरू हैं तो हम उनको चाचा बोलते हैं, चाचा नेहरू. वैसे ही saint of the gutters किसे बोलते हैं? मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद और बुद्ध. Yes, मदर टेरेसा को. मदर टेरेसा जो है वो राइट आंसर है स्टूडेंट्स. मदर टेरेसा को सेंट ऑफ द गटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो पुअर पीपल्स थे उनकी बहुत हेल्प करती थी. ठीक है, तो एक पुअर पीपल के लिए वो एक गॉड समान थी, राइट, क्योंकि वो उनकी बहुत हेल्प करती थी, इसलिए उन्हें सेंट ऑफ द गटर, सेंट मीन्स संत, सेंट ऑफ द गटर्स बोला जाता है. ठीक है, सो मदर टेरेसा इज ऑल्सो नोन एज सेंट ऑफ द गटर्स. ठीक है, आपको पिक्चर भी दी है मदर टेरेसा की. सो आप मदर टेरेसा को टिक करेंगे. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सो किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल मतलब एक बर्ड है जिसकी साउंड बहुत स्वीट होती है. नाइटिंगेल एक बर्ड जिसकी साउंड स्वीट होती है. तो किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं? लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, नरेंद्र मोदी. सो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को हम क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, राइट. सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलना है? सरोजनी नायडू. सो सरोजनी नायडू को टिक करेंगे ऑप्शन टू. देन मैच द पर्सनैलिटीज विद देयर फील्ड. पर्सनैलिटीज को उनकी फील्ड के साथ मैच करना है. ओके, फर्स्ट वन देखो, पी गोपी चंद. बैडमिंटन फील्ड से रिलेटेड थे, वो बैडमिंटन खेलते थे, राइट. सो पी गोपी चंद को आप बैडमिंटन से मैच करेंगे. देन शाहरुख खान. तो शाहरुख खान तो जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनकी फील्ड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट. सो आप फिल्म्स के साथ मैच करेंगे. देन चार्ल्स डिकन्स. चार्ल्स डिकन्स जो है वो लिटरेचर फील्ड से हैं, राइट. सो आप लिटरेचर के साथ मैच करेंगे, नंबर फाइव. देन ए पी जे अब्दुल कलाम. तो वो साइंटिस्ट थे, तो साइंस फील्ड से वो रिलेटेड हैं, राइट. ए पी जे अब्दुल कलाम साइंस, साइंस के साथ मैच करेंगे. देन माइकल एंजेलो. माइकल एंजेलो किस एक आर्टिस्ट हैं, राइट. सो आर्टिस्ट यानी आर्ट. सो आप इसको आर्ट के साथ मैच करेंगे. डन. नाउ पेज टर्न करेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. हु इज ही? यस, ही इज बराक ओबामा. सो आपको यहाँ पर बराक ओबामा का नेम लिखना है. ठीक है, बी ए आर ए सी के, बराक ओबामा, ओ बी ए एम ए, राइट. प्रेसिडेंट थे ना ये पहले अमेरिका के. नेक्स्ट, व्हाट डिड सत्यजीत रे डू? तो सत्यजीत रे क्या करते थे? यस, वो फिल्म्स को डायरेक्ट करते थे, राइट. सो डायरेक्ट फिल्म्स, सिंग सॉन्ग्स, मेक साइंस प्रोजेक्ट्स. सो सत्यजीत रे डू फिल्म्स डायरेक्ट करते थे. तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना है, डायरेक्ट फिल्म्स. देन अमजद अली खान प्लेज द सारोद. यस, अमजद अली खान जो है वो सारोद ही प्ले करते हैं. तो आप उसे ट्रू टिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वॉज. सो फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने इंग्लिश चैनल स्विम किया था पूरा? मिहिर सेन, माइकल फेल्प्स, महेंद्र सिंह धोनी. सो फर्स्ट इंडियन वो कौन है? हु स्विम अक्रॉस द इंडियन चैनल? यस, मिहिर सेन. ठीक है, मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. ओके, सो आप मिहिर सेन को टिक करेंगे. देन लास्ट, मुलायम सिंह यादव इज ए पॉलिटिशियन. यस स्टूडेंट्स, ट्रू. मुलायम सिंह यादव जो है वो पॉलिटिशियन ही है. तो आप ट्रू को टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेसन फोर जीके यू हैव टू डू इन योर ट्यूलिप्स. ओके, थैंक यू.